ये आज तक की सबसे बेस्ट कैंपिंग में से एक होने वाली है गाइस हमारी। स्नोफॉल देखिए कितनी तेज हो चुकी है, देखो -9 डिग्री के आसपास बता रहा है गाइस। भाई रास्ता तो खतरनाक ही है यार, चाइना का बॉर्डर है ये, पूरा सफेद रेगिस्तान हो चुका है। इतनी तेज स्नोफॉल में भी पहली बार बढ़ूंगा मैं। गर्मा गर्म पोहा पूरी बर्फ से ढक चुकी है और ये देखिए रूफटॉप टेंट के ऊपर का बताता हूँ। लद्दाख में भी नहीं हुआ भाई ऐसा एडवेंचर, तो ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपको जिंदगी में मिलता है ना तो उसे छोड़ना मत। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन, वेलकम फ्रॉम छितकुल। छितकुल नहीं छितकुल है, छितकुल। और सबसे मेन चीज स्नोफॉल हो रही है भैया जबरदस्त वाली, तो आज की हमारी ओवरलैंडिंग नाइट कैंपिंग उम्मीद है भैया शानदार जगह पर शानदार तरीके से होने वाली है, लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। क्यों? बिल्कुल। तो अभी तो फिलहाल गर्मा गर्म चाय का मजा लीजिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। और अब से आपको दिखाते हैं भैया जन्नत के नजारे, पीछे देखिए एक बार, मजा आ गया। तो आगे और मजा आने वाला है, तो व्लॉग लास्ट तक देखना भैया, बहुत धमाकेदार व्लॉग होने वाला है। तो सर पूछ रहे आज तो चाय नसीब हो गई, मतलब आज तो बहुत फुर्सत से नसीब हुई है। हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पर आपने इतनी शानदार चाय पिला दी हमें, मजा आ गया जी, मजा आ गया। वैसे आपका नेम? मैं नाम ओम प्रकाश नेगी। ओम प्रकाश जी नेगी, बहुत अच्छा मिला ओम प्रकाश जी आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं, लेके मनसा माता का नाम। बोलो श्री मनसा माता की जय। भाई बहुत मजा आने वाला है यार, ये आज तक की सबसे बेस्ट कैंपिंग में से एक होने वाली है गाइस हमारी। क्या बात है जी, लोकेशन का जुगाड़ हो गया। तो गाइस नदी किनारे की बात कर रहे हैं, अब देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ नहीं पाएगी यार, वापस काफी नीचे है। लगता है सुनील भाई आज नदी के किनारे लेके जाएंगे इतनी स्नोफॉल में, चलिए चलते हैं क्या दिक्कत है। गाइस नजारे देखिए, गजब मजा आने वाला है भैया, फुल स्नो। लोकेशन में तो मजा आ गया भैया, पूरा रिवर साइड लिया है सुनील भाई तो। और यहाँ पर मेरे हिसाब से रूम की भी व्यवस्था है, शिवाय बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा उसको अवॉइड मारना। और चारों ओर भैया स्नो स्नो होने वाली है आज, तो कैंपिंग में मजा आने वाला है भाई मजा। और इधर दीपक भाई ना आते ही गाड़ी फंसा दी भैया, अब लेकर जाएंगे ये चील की गति से, टायर घूम रहे। ये देखो जी, ये देखो भैया, अल्टो को ऐसी रानी नहीं बोलते पहाड़ों की। गाइस करीब 45 डिग्री की चढ़ाई है आप देख रहे होंगे, और मुझे एक लोकेशन का लास्ट टाइम मैंने देखी थी जब हम फ्रेंड्स आए थे, क्योंकि इस लोकेशन में मुझे एक माइनस पॉइंट लग रहा है यार, यहाँ पे कीचड़ बहुत ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से एक बार ट्राई करना चाहिए। तो बाकी दोनों भाई लोग और चिक्की को वहीं पे उतार के आया हूँ, और मैं आगे जाके एक लोकेशन है बॉर्डर के साइड में, अगर वहां पर सब कुछ सही रहा तो इन लोगों को फोन करके बुला लूंगा मैं। भाई रास्ता तो खतरनाक ही है यार, पूरा कच्चा रास्ता है और चढ़ाई सबसे ज्यादा है, मतलब मेन तो जो है ना वो चढ़ाई है। और गलती से एक चीज और है, अगर गलती से रात के टाइम हमने कैंप वैम्प डाल लिया और स्नोफॉल ज्यादा हो गया ना भाई, तो 4x4 भी होगी ना, वो भी नहीं चढ़े ऐसे रास्ते पे तो गाड़ी स्नो में। बाकी आज तो स्नोफॉल में मजा आ गया भाई, तगड़ा वाला मजा। ये आ गए जी हम मेन रोड पर, तो चलिए जी आपको घुमाते हैं छितकुल की पतली पतली सुंदर सुंदर गलियों के अंदर। बाकी स्नोफॉल में मजा आ गया भाई मजा यार, यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह तो काफी है, वो लोग कैसे मना कर रहे थे कि कुछ भी नहीं है। तो गाइज अभी हम जिस रोड पर चल रहे हैं वो बॉर्डर रोड है, आगे जाके एक चेक पोस्ट आएगी और उससे आगे जाना अलाउ नहीं है, और बॉर्डर भी बोले तो तिब्बत जो होता है ना चीन के कब्जे वाला तिब्बत वो है, तो एक तरह से चाइना बॉर्डर कह सकते हो आप। भारत का आखिरी गांव है गाइज ये छितकुल ऑफिशियली, इसके आगे जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पर पता करते हैं अगर कुछ ओपन है तो, होम स्टे में वैसे तो कोई दिख नहीं रहा यार, यहाँ पे लोकेशन तो भाई एक नंबर है यार, यहाँ पर है तो एक से एक लेकिन वही है सब बंद पड़े गाइज, सब पे ताले लग रखे हैं यार। अभी क्या है स्नोफॉल वाला सीजन है ना, यह पता करते हैं एक बार।
गाइस इधर तो कैंपिंग साइट ढूंढते ढूंढते हम चेक पोस्ट तक ही आ गए, मतलब यहाँ से आधे किलोमीटर में चेक पोस्ट है, क्या पता आगे जाने देंगे नहीं देंगे। मुझे छोटा सा गांव जैसा कुछ दिख रहा है, देखते हैं अगर बात करते हैं वहां पर कोई हमें जगह दे दे तो बढ़िया जगह। देखिए सामने चेक पोस्ट है और बॉर्डर आ गया, इसके आगे से भैया जाना अलाउ नहीं है, चाइना का बॉर्डर है ये। तो गाइस सांस फूल गई, तो चेरी कैसा लगा? तो गाइज हम फाइनली हमारी चेरी को भी हमने इंडो तिब्बत मतलब चाइना के अंडर वाला जो तिब्बत है ना, पहले यही से पूरा अनजान था, अब बंद कर दिया है, इसके आगे परमिशन नहीं अलाउ और ना शूट करना अलाउ था। मैंने सर से परमिशन लेके बच्चे की फोटो क्लिक करवा दी है एक यादगार के हिसाब से। तो चलिए अब चलते वापस उसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा। गाइज नजारे देखिए, नजारे मजा आ गया बेटा, विजिट अगेन कर लिया जी, 6 महीने में दूसरी बार विजिट कर रहे हैं, बताओ। तो गाइज ये जो इंडो चाइना बॉर्डर है ना, ये चितकुल से 4 से 5 किलोमीटर आगे है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बिल्कुल कच्चा रोड था, अब तो रोड एकदम चमन बना दिया, शानदार रोड है। तो गाइज जब भी चितकुल जरूर आना तो यहाँ पर जरूर आना और देखकर जरूर जाना। अभी दिन का टेम्परेचर ये बता रहा है, ये देखिए जी, दिख रहा नहीं दिख रहा है, -1 डिग्री। तो रात को कम से कम यह जाने वाला है -9 डिग्री के आसपास बता रहा है गाइज, देखते हैं कितना ज्यादा आज मजा आ जाएगा। एक बार सामने का नजारा देखिए जी, स्नोफॉल के अंदर चितकुल का मतलब यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है अप्रोक्स, और काफी घना बसा हुआ है यार, मतलब इतना छोटा नहीं कह सकते, काफी घर दिख रहे हैं। उधर से आए थे जब इतने घर नहीं दिखे थे हमें, बहुत शानदार, मतलब ये प्राइसलेस मूवमेंट है हमारे लिए। लोग बाबों में भी बहुत क्रेज है, ये देखो अलग अलग पोज मार के फोटोज खिंचवाने का हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे में। तो चलिए जी अब वापस उसी जगह पे चलते हैं क्योंकि आगे तो सब बंद है। तो यहां से एक ये फरीदाबाद के भाई भी मिल गए हैं और ये भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, चलो चलते हैं फिर, दीपक भाई को भी जानते हैं ये। तो कारवा तो ऐसे ही बढ़ता तभी मजा आता है गाइस, स्नोफॉल तगड़ी वाली हो चुकी है, अब वापस घूम फिर के उसी जगह पे लिखा था कुल मिला के हमारा रिवर साइड पे। ये लो भाई आराम से। तो भाई ये दो गाड़ियां हो चुकी है सेट, ये जाएगी अब वहां पे उस लोकेशन पे, ये देखिए आओ आओ चलो रिवर्स चलो स्टार्ट, चलिए 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 चलो 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 बस। तो गाइस डबल बेगारी हो गई है, वापस जाना पड़ेगा ऊपर तक करीब 3 या 4 किलोमीटर। तो स्नोफॉल हो गई है बहुत तेज, रात को माइनस में जा सकता है 9 या 10 डिग्री। तो चिक्की बोल रही है स्पेयर के लिए, मतलब कर तो लेंगे अपन कैंपिंग लेकिन बच्चे साथ में, तो एक रूम की व्यवस्था कर लो। तो रूम की चाबी लेने वापस ऊपर जा रहा हूँ मैं इतनी स्नोफॉल में। भाई तगड़ा एडवेंचर हो गया आज तो यार, इतनी स्नोफॉल पहले से डबल हो गई है गाइस, और मैंने फुल स्पीड पर अभी ब्लोवर भी चला रखा है ताकि कांच पर जमे नहीं, तो कांच एकदम व्हाइट हो चुका है, सामने का नजारा आप देख सकते हो। तो गाइस फाइनली हमने एक स्पेयर के हिसाब से रूम ले लिया है क्योंकि अभी -3 या 4 डिग्री जा चुके हैं और हाथ सुन पड़ने लग गया है ना चिक्की। तो अब वो लोग नाराज हो रहे हैं कि भैया आओ और साथ में बनाएंगे कैंपिंग, तो करेंगे रात को सोना हो जाए तुम्हारी मर्जी हो सो जाना, टेंट में भी सोना ही है उधर भी सोना ही है। तो फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं वहां पर, मतलब चौथा राउंड है मेरा ये 5 किलोमीटर का, पहाड़ों में 5 किलोमीटर और ऐसी जगह बहुत बड़ा होता है, स्नोफॉल हो चुकी है अब भारी वाली। तो जाते हैं वहां पे कुछ भी जो जल्दी बन जाएगा, और वैसे तो हमारी फेवरेट है और आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बना के खाने वाला हूँ। वहां जाते हैं 1.5 घंटा कैंपिंग करेंगे और रात को आके भी रूम में सोएंगे क्योंकि यहाँ पर माहौल नहीं है अभी कैंपिंग वाला। वो लोग अगर लड़के लड़के हो या जैसे बड़े बड़े हो ना, चिक्की और मैं होते तो मैं आराम से गाड़ी में कैंपिंग कर लेते सो जाता, -9 डिग्री तक जाएगा रात को तो, पर बच्चे हैं यार रिस्क नहीं ले सकते भाई। और स्नोफॉल देखिए कितनी तेज हो चुकी है, देखो सब चीजें व्हाइट हो चुकी है, हमारा रूफटॉप टेंट बताऊंगा बिल्कुल व्हाइट हो चुका है, गाड़ी के ऊपर भी बर्फ जमने लग गई है अब। तो चलिए जी चलते हैं वापस सुनील भाई के पास, नाराज हो रहे हैं भाई सबके सब, बोले यार ऐसे थोड़ी ना होता, तो बोला चलो जैसे होता है वैसे करते हैं। और स्नोफॉल भैया तगड़ी वाली हो चुकी है स्टार्ट, सब जगह व्हाइट ही व्हाइट, कहां फंस गई गाड़ी, एक तो छोटी सी जगह में गाड़ी काटने में भी दिक्कत आती है यार। मैंने अभी फुल पे ब्लोवर चला दिया है
और एकदम गरम गरम फीलिंग आ रही है, लेकिन भैया बाहर की कहानी कुछ और है, खतरनाक वाली। ऐसी स्नोफॉल में कुछ तो बना के खाएंगे भाई। हाँ कुछ भी हो, भले इंस्टेंट वाली चीज पड़ी ना कोई अपने पास। चलो देखते हैं क्या बनाते हैं वहाँ पे जाके माहौल। गाइस देखिए, सफेद रेगिस्तान बन चुका है, एक एक झाड़ी एक एक पेड़ पौधे के ऊपर बर्फ जम चुकी है भैया, मजा आने वाला है आज तो। और गाड़ी टर्न करते हैं, ये देखो सामने देखो आप, पूरा व्हाइट हो चुका है यहाँ पर, पूरा व्हाइट। वापस उसी खतरनाक रास्ते पर चलते हैं, उम्मीद है वापस आते टाइम तक इतनी बर्फ नहीं होगी कि गाड़ी चढ़ पाए नहीं चढ़ पाए। वैसे रिस्क तो फुल है गाइस, फुल रिस्क उठा रहे हैं हम, लेकिन हमारे साथ अभी तीन चार भाई लोग और हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अटक गए तो गाड़ी वहीं पे छोड़ देंगे, निकालते रहेंगे वो लोग। देख चिक्के सामने पूरा व्हाइट हो गया पेड़ पौधे, अभी इतना नहीं था, अभी वापस अपन आए थे जब इतना नहीं था, अब स्नोफॉल तेज हो गई ना। देखो झाड़ी के ऊपर इधर, गजब भाई गजब, मजा आने वाला है। 10 मिनट के अंदर देख लो गाइस ये कंडीशन हो गई, 10 से 15 मिनट के अंदर। और दीपक भाई ने तो टेंट भी खोल लिया भाई, ये बड़ी फुर्ती दिखाई उन्होंने तो। और सुनील भाई मेरे हिसाब से तो गाड़ी के अंदर ही सोएंगे, क्योंकि वो अकेले ही है। और एक भाई जो और नए ऐड हुए हैं वीरेंद्र जी, वो भी शायद गाड़ी के अंदर ही सोते हैं। एक हम अकेले केवल बच्चों के कारण। फुल ऑफ रोड बाबा, फुल ऑफ रोड। तो गाइज एक बार नजारा देखिए भाई, पूरा सफेद रेगिस्तान हो चुका है, ये देखिए बहुत ही गजब वाली स्नोफॉल हो रही है भाई। और पूरा रिवर साइड है ये वाली कैंपिंग। क्यों दीपक भाई बुलाई लिया मैं आखिर वापस? अरे भाई बाप ऐसे कैसे जा सकते हो, आपको छोड़कर तो नहीं जाएंगे। और दीपक भाई ने टेंट खोल लिया उधर देखिए, और व्हाइट भी होने लग गया भाई। सुबह तक तो देख लेना, एक एक फुट की बर्फ जम जाएगी आपके टेंट के ऊपर। और सुनील भाई ने भी इधर टेंट खोल लिया, सुनील भाई इधर बातों में व्यस्त है मैं बुला के। सही है ठह करके। चलिए जी हम हमारी तैयारी करें, कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं, अब इतनी दूर आए तो स्नोफॉल में कुछ बनाया नहीं तो क्या मतलब। तो गाइज अभी की कंडीशन देखिए, चिक्की बाहर आएगी तो शिवाय बाहर आएगा, शिवाय बाहर आएगा तो चेरी हो सकता है बाहर आ जाए, लेकिन चेरी का कोई दिक्कत नहीं है, शिवाय का दिक्कत है। तो मैडम जी आप अंदर बैठी है, फ्राइड राइस कैंसिल है, और मैं आपको इंस्टेंट पोहा बना के खिलाता हूँ, मजा आ जाएगा। ओके, वैसे भूख तो नहीं है ना, अभी थोड़ी देर पहले खाया था, थोड़ी देर पहले ही खाया था। बस मुझे क्या है, मेरा बहुत मन था चक्की कि ऐसे स्नोफॉल के अंदर कुछ बनाऊं, जैसे पेंगोंग लेक पे अपने कॉफी बनाई थी ना। मेरा भी बहुत मन है बाहर आने का, लेकिन नहीं मैडम जी आप तो अंदर बैठे रहो, अपन बालकनी से मजे लेंगे थोड़ी देर बाद। आज के शेफ हम है, तैयारी चालू करते हैं। थोड़ा शूट 19-20 ही हो पाएगा गाइस, क्योंकि मैं एक हाथ से बनाऊंगा और एक हाथ से शूट करूंगा। तो फिलहाल तो सिंगल बर्नर बना लेते हैं अपन, लगा लेते हैं। ये लग गया जी हमारा बर्नर। तो ये निकाले जी हमने छोटी भगोनी, मेरे ख्याल से इसमें काम हो जाएगा, और प्लेट वगैरह तो सब मिल बांट के काम हो जाएगा। तो इस वाली भगोनी में, और देखिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो हम बर्तन यहाँ पे नीचे की तरफ रखते हैं, और उसके नीचे की तरफ भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह है। सेटअप के लिए आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए लोकेशन कैसी है, जोरदार वाली, पीछे का नजारा देखिए। तो चलिए गाइस फाइनली सेटअप रेडी है, स्नोफॉल हो रही है जबरदस्त वाली, और पीछे पूरी नदी जम चुकी है भाई, पूरा व्हाइट हो चुका है एकदम। और आज आपका भाई आपको गर्मा गर्म पोहा खिलाने वाला है भैया, इंस्टेंट में यही बन सकती है, क्योंकि अभी चिक्की बाहर आएगी तो बच्चे भी बाहर आएंगे, तो मेरा एक्साइटेड लेवल देख सकते हो यार आप। तो चलिए आपको गर्मा गर्म पोहा खिलाते हैं और नजारों के मजे लेते हैं। सबसे पहले पोहे के लिए डालते हैं इसमें पानी, इसमें लिख रखा 60 ml, लेकिन ml का मतलब मुझे नहीं पता। तो ये गया जी एक कटोरी, और ये गया जी दूसरी कटोरी। इस बार मैं कम मिलाऊंगा, अगर कड़क होंगे तो वापस मिला लेंगे। इतनी तेज स्नोफॉल में भैया पहली बार बनाऊंगा मैं। आपको क्या कहा था पिछली बार, मैं केवल ये बनाने के लिए इतना दूर वापस आया हूँ, वरना मैं होटल में घुस गया था। भाई जो सुकून मिल रहा है ना हाथ रखने में, हाथ सुन हो चुके एकदम। तो हमने ये पानी उबलने के लिए लगा दिया भैया। भाई एक बात फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपको जिंदगी में मिलता है ना, तो उसे छोड़ना मत, चलते रहेंगे सब जिंदगी के काम। ऐसा एक्सपीरियंस भाई किस्मत वालों को मिलता है इतनी स्नोफॉल के अंदर। मतलब अगर आपको कैंपिंग का शौक नहीं है तो आप होटल में भी स्टे ले सकते हैं, हम बच्चों के कारण होटल में ही रुकेंगे। लेकिन मेरा मन था भाई ऐसी स्नोफॉल में कुछ बना के खाने का, तो मैं वापस आया हूँ इतने किलोमीटर नीचे, अब वापस जाऊंगा। जब तक स्नोफॉल है आराम से एंजॉय करेंगे, उसके बाद अपनी सेफ जगह चल जाएंगे। तो चलिए जी फाइनली अपना पानी हो चुका है गर्म, और अब बारी है इसके अंदर पोहा मिलाने की। ये गया जी इसके अंदर पोहा, और ये ढक दीजिए इसके ऊपर प्लेट, और ये कचरा रख दिया हमने हमारा अंदर। चिकी पापड़ खाएगी क्या? तो गाइस पोहा बन रहा है, जब तक ये देखिए जी उड़द पापड़, मजा आ जाएगा। गर्मा गर्म पापड़ के मजे लेते हैं इसके साथ ही।
लो जी पापड़ खाओ, गर्मा गर्म पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गर्मा गर्म पापड़ सेक रहा है और स्नोफॉल का मजा भी यार। रिवर साइड देखो क्या ब्लू ब्लू हो गया इसमें। लो जी लो गर्मा गर्म पापड़ चेरी, पकड़ो 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 गर्मा गर्म पापड़ ऐसी लोकेशन पे भैया, मजा आ गया भाई मजा। तो लीजिए गाइस आप भी स्नोफॉल में गर्मा गर्म पापड़ का आनंद लीजिए। आनंद परम आनंद, ये मेरा डायलॉग है, जब भी निकल जाए ना सोच लेना दिल से खुशी मिली मुझे। गाइस देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो भाई गर्मा गर्म मजा आ गया, क्या भाप निकल रही है, देखो कितने खिले खिले बने। आज मैंने पानी कम डाला, हमेशा ज्यादा हो जाता है मेरे से पानी। आ जाओ भैया गर्मा गर्म पोहा रेडी है। एक काम करता हूँ, मैं इसी में खा लेता हूँ, अंदर दे देता हूँ नमकीन। देखो अंदर से आवाज आ गई, नमकीन डालो। और ये गई जी इसमें इंदौरी सेव। वैसे पोहे का मजा बिना नमकीन के नहीं है, सच बोला है तो चिकन है। गर्मा गर्म पोहा, पोहा हमारे शिवाय का फेवरेट है। मनसा को थोड़ा सा कम पसंद है लेकिन खाएगी वो आज। चलिए जी अपना तो 15-20 मिनट में मामला सेट हो गया। इंस्टेंट चीजें भी रखनी चाहिए आज, मेरे को पता चला है। और यहाँ पे हमारे शिवाय बाबू का दिमाग देखो, च्यवनप्राश का डब्बा लेकर आ गया घर से। गाइस हालत देखिए गाड़ी की, पूरी बर्फ से ढक चुकी है। और ये देखिए रूफटॉप टेंट के ऊपर का बताता हूँ, पूरा व्हाइट हो चुका है, पूरा व्हाइट। गजब भाई गजब, मजा आ गया भाई आज तो। अरे भाई इधर क्या पक रहा है? ये देखिए आ गए हमारे खास मेहमान। क्या बना रहे हो भाई? मैगी बन रही है अभी तो। और इधर देखो स्पेशल चूल्हे के ऊपर मैगी, भाई इसकी जो हीट आती है ना गजब आती है, जबरदस्त भाई जबरदस्त। मैं तो कहता हूँ थैंक्स संदीप भाई, आपने भेज दिया। तो चलो सुनील भाई मैं निकलता हूँ। निकल रहे हो? मैं निकल रहा हूँ यार, बर्फ ज्यादा हो जाएगी, समझो बात को, दिक्कत आएगी। ठीक है इससे टेंशन मत लेना, मैं जा रहा हूं, समझो मैं निकलता हूँ। खींचने वाला भी तो चाहिए सुबह में। हाँ क्यों, ठीक है दीपक भाई, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट भाई। ठीक है भाई चलते हैं, सुबह मिलते हैं कल। निकल रहे हो? हाँ मैं निकलता हूँ यार, थोड़ी स्नो ज्यादा हो जाएगी यार, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग भी। भाभी से पूछ के ना फोन पे, हाँ मैगी भी पहली बार बना रहा हूँ। अरे यार ये देखो भाई का पहला ही एक्सपीरियंस खतरनाक हो गया स्नोफॉल में। स्नोफॉल में फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो भाई का भी चैनल है, बहुत तगड़ी एडवेंचर करी इन्होंने इग्निस के साथ लद्दाख में स्नो में। जी भाई क्या नाम से है? वी कालीरमन एक्सप्लोर इंडिया। क्या बात है जी, मैं इनका चैनल में क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई का, सब्सक्राइब करना, एकदम एडवेंचर है भाई भी हमारी तरह। और यहाँ पे देखिए पूरी स्नो हो चुकी है। बाय बाय। तो चलिए जी भाइयों को बाय बोल दिया मैंने। अब थोड़ा सा मेन जो मेरे को डर लग रहा है ना भाई, वो लग रहा है ये देखो पूरी वाइट हो चुकी है, पूरी वाइट रोड। बस गाड़ी स्किट नहीं मारे यार, बहुत ज्यादा चढ़ाई है क्योंकि नॉर्मल उसमें है ना बहुत ज्यादा। ये देखो गाड़ी तो फिसल रही है यार। चलो लेके मनसा माता का नाम चढ़ाते हैं। बोलो श्री मनसा माता की जय। फुल स्नोफॉल हो रही है गाइस अभी भी और पूरा व्हाइट हो चुका है। चलिए अभी तक तो गाड़ी साथ दे रही है, स्किट तो नहीं मार रही है भाई। ऐसा एडवेंचर तो नहीं किया चिक्की अपन ने आज तक, लद्दाख में भी नहीं हुआ भाई ऐसा एडवेंचर। तो गाइस आधे रास्ते आ चुके हैं और एक साइड हमारे खाई है और एक साइड पहाड़ है और बिल्कुल पगडंडी सी है, मतलब एक गाड़ी आ जाए ना सिंगल गाड़ी उतना सा रास्ता है, बस एक बार मेन रोड तक आ जाए फिर कोई टेंशन नहीं है। बस वो सामने दिख गई मेन रोड, जय हो प्रभु जय हो माता रानी की। ओ पिछले थोड़े से टायर स्किट मार रहे हैं लेकिन हो जाएगा काम। बस अब आ गया गाइस, मजा आ गया जी मजा आ गया। ये देखो हम आए थे जब इतना कुछ भी नहीं था वाइट वाइट। गाइस अब देखिए ऊपर आने पर स्नोफॉल और तेज हो चुकी है, गेट भी पूरा व्हाइट हो चुका है चितकुल का। और अभी बज रही है शाम के 7, शाम ही बोलेंगे लेकिन अंधेरा हो चुका है भाई, एकदम घूप अंधेरा। रोड पे कोई भी इंसान नहीं दिखेगा हमारे अलावा। लोग भी सोच रहे होंगे भाई इतनी रात को कहाँ निकले, लेकिन देखिए जी इतनी दूर आते हैं इन्हीं सब चीजों के लिए आते हैं। तो ठीक है सेफ्टी के साथ हम लोग ऊपर तक आ चुके हैं और अब फिलहाल अपने होटल में जाते हैं और चिल मारते हैं एकदम मस्त, बालकनी में बैठ के स्नोफॉल का मजा लेते हैं और फिर सीधा सुबह मिलेंगे आपको। ये देखो पूरे व्हाइट हो चुके हैं गाइस छत देखो। भैया को बोला था भाई पार्किंग बचा के रखना हमारे लिए, क्या पता बचाई या नहीं बचाई। फाइनली हमारी सेफली लैंडिंग हो चुकी है। मजे ही है चिक्की अपने भी यार। और ये देखो यार ये लड़का मतलब क्या बताऊं, कितने एडवेंचर करोगे आप 2 साल की उम्र में? बॉल अगर हाथ में आप इसका बस चलना है बैट बॉल खेलने लग जाए। और मनसा आपको क्या होगा? अरे मनसा ने तो चेंज भी कर लिया, क्या बात है न्यू ट्रैक सूट। तो चले शिवाय अंदर रूम में चले। च्यवनप्राश खा लिया, मुंह भर रखा है पूरा। तो गाइज अभी हमारे रूम से नजारे देखिए भाई,
पूरा पहाड़ बन चुका है इधर तो, स्नो का पूरा व्हाइट है, जहां तक नजर जाएगी ना वहां तक व्हाइट ही व्हाइट पड़ा देखो। और अपनी गाड़ी का भी दिखाता हूँ आपको, ऊपर से अपनी लाडो भी पूरी व्हाइट हो चुकी है, ये देखो कितनी स्नो है। और ये देखिए जी, अब दिखाता हूँ आपको, वो देखिए जी पूरा टेंट ब्लैक से व्हाइट हो चुका है। हाय हाय हाय, जस्ट रूम के बाहर लाडो खड़ी है अपनी, और ये देखो जहां नजर जाएगी ना वहां पूरा स्नो स्नो। और हमारे इस बच्चे को देखो, टोपा ओपा सब उतार के फेंक दिया, तीन चार लेयर पहना थी ना चिक्की इसको, क्योंकि रात को टेम्परेचर जाएगा -10 डिग्री। ठीक ठाक रूम है, बढ़िया है, रेट वगैरह की बात मैंने नहीं करी है, सुनील भैया के मिलने वालों का है, तो साफ सुथरा रूम है, बाथरूम भी बहुत अच्छा है, गीजर भी है चिक्की, सुबह नहाना धोना भी हो जाएगा। शिवाय ने बोला नन्नन नहीं, शिवाय नहाना है क्या? तो गाइस यहाँ से नहा धो के निकलेंगे भैया सुबह 7-8 बजे, 7 या 8 बज जाएगी आराम से, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, 3-4 दिन तक हमें पानी नसीब नहीं होने वाला भैया, इतनी सर्दी पड़ने वाली है आगे, -3 डिग्री टेम्परेचर में भैया इधर फ्रूटी की पार्टी हो रही है हमारे साथ। देखो गाने गा रहे, जो डिस्पोजल लिया बेटा, अभी गिलास धोने की हिम्मत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नलों में भैया पानी जम जाता है, बाल्टी में भर के रखना पड़ता है गाइस। चीयर्स। हाँ वेरी गुड। शिवाय को क्या हो रहा है, फ्रूटी मिल गई ना, देखो देखो च्यवनप्राश से पूरा फेस हो गया भाई। आज होम स्टे लेना बहुत जरूरी था क्योंकि कंडीशन आपने देख ली, क्योंकि रात को और ज्यादा स्नोफॉल हो जाए तो वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है और गाड़ी चढ़ती नहीं भाई, यहाँ पर बड़े बड़े हो ना तो हमारी तो बहुत इच्छा थी गाइस वहाँ पे रुकने की। देखिए एक बात बोलता हूँ, बच्चों के साथ हम इतना एडवेंचर कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है गाइस, और उसको मतलब घूमना चलो इतना मुश्किल नहीं है, उसको इतना शूट करना, एडिट करना, उसके बाद आप तक पहुंचाना बच्चों के साथ भाई बहुत एफर्ट लगती है, मेहनत लगती है, तो यार रेस्पॉन्स दे दिया करो, थोड़ा लाइक कर दिया करो, कमेंट्स और कमेंट्स भी कर दिया करो, वैसे तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें। तो चलिए अब गुड नाइट करने का टाइम आ गया है, तो फ्रेश एनर्जी के साथ सुबह मिलते हैं, इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, और तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हमारा एडवेंचर, आज का एडवेंचर हमारा यही खत्म होता है, अब हम बच्चों के साथ में होम स्टे में मस्त सोते हैं यहाँ पे।